हेलमेट लेकर जाओ। क्या कर रहे हो? स्कूटर चला रहे हो और हेलमेट नहीं लगाए तो चोट लग जाएगी ना। अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मेरा सिर हेलमेट से भी ज्यादा मजबूत है। मोटू, हमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मोटू! मोटू, ये लो सेफ्टी बुक और सड़क पे ड्राइविंग के सब सेफ्टी रूल्स पढ़ो, उसके बाद ही स्कूटर या कार चलाना, समझे? समझ गया पतलू। सॉरी, अब जब तक ये सेफ्टी बुक पूरी तरह पढ़ नहीं लूंगा तब तक मैं पैदल ही चलूंगा। लिखा क्या है? हाँ, रोड क्रॉस करते हुए दाएं और बाएं देखे। अरे कैसे हो तुम लोग? तुम लोगों को रोड के सेफ्टी रूल्स नहीं मालूम, अक्सर एक्सीडेंट करते रहते हो। ये बुक पढ़ोगे तो तब तुमको पता चलेगा। अच्छा, ये हमें सेफ्टी रूल्स सिखा रहा है? इतना चोर कोतवाल को डांटे, मारो इसे पकड़ के। अरे इन लोगों को अच्छी बात बताना भी मुसीबत है। खबरदार, जो किसी ने मेरे दोस्त को हाथ में लगाया तो। ये उसका दोस्त है, इसी को मारो और पूरा हर्जाना वसूल करो। रास्ते में चले तो हमेशा बाई तरफ चले। कितना हॉर्न बजाते हैं लोग, इसे लगा लेता हूँ, अब कोई आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी और मैं ये बुक आराम से पढ़ सकूंगा। जब रोड पर रेड सिग्नल हो तो रुकना चाहिए और ग्रीन सिग्नल होने पर चलना चाहिए। मोटू रुको, सिग्नल रेड है। अच्छा, तो सिग्नल ग्रीन होने पर रोड क्रॉस करना चाहिए। जरा देखूं तो सिग्नल ग्रीन हुआ कि नहीं। अरे भाइयों, ग्रीन सिग्नल पर क्रॉस करना चाहिए। लगता है तुम सबने रेड सिग्नल पे क्रॉस किया है। बिना सिग्नल देखे चलोगे तो ऐसा ही होगा ना। ये सेफ्टी बुक पढ़ो तो सब रूल्स का पता चल जाएगा। मोटू मेरे दोस्त, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों, क्या हुआ? बस उसको कुछ देना था। आप मुझे दे दो, मैं उसे घर पर दे दूंगा। ठीक है, उसको 500 घूंसे और 1000 झांपड़ देना। रास्ते में चलने के नियम और भी हैं। देखो मोटू क्या कर रहा है। वो देखो, मोटू बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें लिखी है। मोटू रुक जाओ, ध्यान रख।
सामने नीची जगह है या फिर सामने चलते वक्त ऊंची जगह है, इन चीजों का ख्याल रखोगे तो आसानी से सड़क क्रॉस कर सकोगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। पतलू ने मुझे बहुत ही अच्छी किताब दी, पतलू को थैंक्स बोलूंगा। और क्या लिखा है, मगर भी जब पानी से निकल कर बाहर चलता है तो आजू बाजू देख के चलता है, इसलिए हमें भी देख के चलना चाहिए कि सामने क्या है, अगर मगर के चक्कर में अपना ध्यान ना भटके वरना हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। या तो ये हिम्मत वाला है या फिर हमारा डर लोगों के दिलों में खत्म हो गया है। ये बोट ऑटोमेटिक कैसे चलने लग गई? घसीटा राम, वो बोट नहीं, क्रोकोडाइल की पीठ है। अरे हमको क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठने का विषय का तजुर्बा नहीं है। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। पतलू बचा। यू क्रोको, द नेम इज चिंगम, और चिंगम के चंगू से बचना इम्पॉसिबल। चक्कर में पता नहीं क्या होगा, मैं तो गर जा रहा हूँ, गर 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 गर। नहीं नहीं चिंगम सर, प्लीज उसे पकड़ना ही है, एक बार बस उसको पकड़ लो और उससे वो किताब छीन लो। मोटू किताब में इस कदर बिजी हो गया है कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं है और हेडफोन की वजह से वो सुन भी नहीं पा रहा है। ओ यार पतलू मेरे भाई, मेरे यार, बस लास्ट टाइम, हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट टाइम, फिर मोटू को जो करना है वो करे यार। हाँ डॉक्टर झटका, वो देखो मोटू एक खुले एरिया में घूम रहा है, अभी तो हम दौड़ के उसे आराम से पकड़ सकते हैं। और भी तरीके, जिस रास्ते में लिखा हो खतरा है वहाँ आगे ना जाए। वहाँ बिल्कुल ना जाए जहाँ पे डायनामाइट फोड़ा जा रहा हो, यानी कि पहाड़ तोड़ने का काम चल रहा हो। रुक जाओ। सब लोग साइड हो जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। कौन दब गया? कौन है? पत्थर के नीचे कौन है? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे खतरनाक जगह पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाले हैं? अरे तुम लोगों को सेफ्टी बुक पढ़नी चाहिए। देखो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना, देखो। क्यों नहीं, हम लोग ये बुक जरूर पढ़ेंगे। अरे तुम लोग इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो?
अभी बताते हैं। अगर हमें सेफ होना है तो सबसे पहले तुम्हारे हाथों से यह किताब छीननी होगी। सिर्फ किताब छीनने से नहीं काम चलेगा, इसकी धुनाई भी करनी होगी। ढूंढ डालो यार। छोड़ो छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? उसे छोड़ो छोड़ो उसे। अरे ये तो बता दो कि पीटा क्यों? मैं तो सेफ्टी बुक पढ़ के खुद को सेफ कर रहा था।